कांग्रेस के कर्नाटक की जीत पर मधेपुर प्रखंड कांग्रेस कार्यालय में आज ज्योति झा के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर जीत का जश्न मनाया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता ने एक दूसरे के गुलाल लगाकर और मिठाई भी खिलाई और भाजपा के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पटाखे भी फोड़े गए। कांग्रेसियों ने इस नफरत की हार और मोहब्बत की जीत बताया है। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ज्योति झा ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि कर्नाटक की जीत तो झा की है, 2024 का लोकसभा चुनाव बाकी है। मौके पर कांग्रेस मधेपुर प्रखंड अध्यक्ष अब्दुल दयाम हाशमी, रामनारायण यादव, शिव शंकर, कुंवर सिंह, राम मंडल, एस एन बागी सहित सैकड़ों कार्यकर्ताओं शामिल थे। कर्नाटक में कांग्रेस को बहुत बड़ा जीत मिला है, इस पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, आज ये कर्नाटक का जो जीत हुआ है वो लोकतंत्र का जीत है, मोहब्बत का जीत है। इस तरह से पूरे देश में भाजपा के द्वारा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा नफरत फैलाया जाता है, पूरे देश में नफरत का माहौल है। वहाँ पर हमारे राष्ट्रीय नेता आदरणीय राहुल गांधी जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जी सहित कर्नाटक के हमारे सभी नेता ने दिन रात एक मेहनत करके अपनी मोहब्बत की सिफारिश लेकर के कर्नाटक में पूरे मेहनत किए और कर्नाटक की जनता को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। कर्नाटक की जनता को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने नफरत को नकारा और मोहब्बत को तरजीह दी और ये कर्नाटक का परिणाम आने वाला 2024 के दिनों में जो है पूरे देश स्तर पर अपना प्रभाव छोड़ेगा। मैं पुनः एक बार आपके माध्यम से कर्नाटक की सभी मतदाता सहित पूरे देशवासी को मैं धन्यवाद करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इस जीत में सबसे बड़ा अहम योगदान किसको देना चाहेंगे कांग्रेस पार्टी का? देखिए, हमारे कांग्रेस के सभी लीडर और खास करके हमारे राष्ट्रीय नेता ने जो भारत जोड़ो कार्यक्रम पर 3,570 किलोमीटर का कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो पद यात्रा किया, उससे पूरे देश में जो नफरत का माहौल है उस नफरत को भगाने के लिए अब पूरे देशवासी का नींद खुल गया है। ये राम और हनुमान करके देश नहीं चल सकता है। कर्नाटक की जनता ने ये साबित कर दिया जो हमें विकास चाहिए, मुझे धर्म की राजनीति पे नहीं जाना। इस जीत के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में क्या दिशा और दशा बदलेगा देश का? निश्चित रूप से बदलेगा। जब जब इस तरह का परिणाम आया है, सिर्फ 2004 में इसी तरह हम लोग 4 स्टेट को जीते थे और 2004 में 4 स्टेट की जीत के वजह से हम लोग पूरे भारतवर्ष में स्थापित हुए थे, तो पूरे सकारात्मक परिणाम 2024 में आएगा। अपना परिचय दे दीजिए। हम ज्योति झा, प्रदेश प्रतिनिधि बिहार कांग्रेस, सह जिला उपाध्यक्ष, मधुबनी जिला कांग्रेस कमेटी। मधेपुर से संतोष मंडल की रिपोर्ट।